सिवान नगर परिषद विकास तो कर रही है, लेकिन विकास का रफ्तार इतना धीरे है कि इसका खामियाजा मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिवान के वार्ड नंबर 28 में जो कार्य चल रहा है। आपको बता दें कि सिवान के स्टेशन रोड में जो कि वार्ड नंबर 28 में पड़ता है, उसमें जो कार्य चल रहा है, कार्य में इतनी देरी ठेकेदार के द्वारा की जा रही है जिसको लेके वहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। इतना ही नहीं, स्थानीय दुकानदारों की माने तो जो नाले का काम चल रहा है और उसमें जो सामान यूज किया जा रहा है उसमें भी जमकर धांधली हो रहा है। प्रॉब्लम यही है कि 10 दिन हो गया नाला साफ, नाला के आगे पाक निकल गया है, सदैव निकाल के रखा दिया है, सामने जो है नजर आ ही रहा है, कहने से कोई चिंता नहीं सुन रहा है। वार्ड के पास वार्ड को है खरीद दिया ना वही भाई कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, नगर पालिका सब हड़ताल में है पूरे बिहार के। अभी क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत यही आ रही है कि दुकान है सामने, रोजी रोजगार का हम लोग को खाने पर आफत है। क्या चाहते हैं नगर परिषद से? काम होना है, रोज से लेप रखा जाए काम, पता ही क्या दिक्कत हो रहा है। नाला साफ हो गया है, कचरा सब आगे है, स्लेप आगे सब लोग बिक दिए हैं। हम लोग गाड़ी का काम करते हैं, पति का बहनी बटा हुए 10 दिन हो गया है, कोई सुनवाई नहीं है। हम लोगों का बाल बच्चा कैसे जिएगा? नाला इतना गहरा है कि डर लगता है कि कोई गिर भी जाएगा, अगर सामान गिर जाएगा तो मिलेगा नहीं, बहुत मुश्किल है। कोई भी हादसा हो सकता है? हाँ, कोई भी हादसा हो सकता है। हम लोग बहुत संकट में है। वार्ड कमिश्नर कौन आपके है? वही है खालिद जी। आप शिकायत किए हो? हाँ, हम लोग दोनों आदमी गए थे तो बोल रहे थे कि नगर पालिका के बिहार भर के लोग हड़ताल पे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? आप लोग खुदवाए का है, आप लोग स्लेप हटवाए का है? आप बोले नहीं, हम लोग घूरे हटवाए हैं तो आप ही लोग काम रहे। यही सब बात है बाबू, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए कि रोजी रोटी चले। प्रॉब्लम हो रहा है कि नाली का काम ठीक से नहीं हो रहा है, नीचे जमीन केवल आधा इंची ढाला है, काम जो पैसा दे रहा है उसके तरफ ले जाकर ही लोग कल दे रहा है। तो कैसा पैसा? जो मुंशी है वही कमाने के लिए अपना, ठेकेदार तो पहले बोले थे कि सीधा लाइन से काम करने के लिए, लेकिन मुंशी है उनका एक, वो चाहता है कि जो पैसा दे पहले उसका काम इधर से उधर कर दे रहा है, जो पैसा दे रहा है उसका काम हो रहा है, जो नहीं कर रहा उसका नहीं हो रहा है। बहुत डिस्टर्ब हो, कम से कम 10 लेबर यहाँ भुखमरी के कगार पे है, ट्रैक्टर का ड्राइवर लोग बैठा हुआ है। नगर परिषद से शिकायत की है? ना, शिकायत अभी नहीं की, उन्हीं के आदमी से कल ठेकेदार को फोन भी किए थे हम कि देखिए आपका आदमी पैसा लेके दूसरे जगह काम करवा रहा है, यहाँ काम रोक दिया है। और उसके बाद बोल भी रहा है कि जो हल्ला करता है ना उसका काम हम लोग बहुत धीरा कर देते हैं, फर्श भी ढलाई किया मात्र आधा इंची, काम सही तरीके से नहीं हो रहा है, केवल बालू मिला के काम आधा इंची ढलाई कर रहा है। एक बार अनिल कुमार हाथ से खींचने पर इसे निकल जा रहा है, हाथ से खींचने पर ईटा निकल जा रहा है, उसमें थोड़ा सा भी सीमेंट नहीं है, एक भी दिन पानी नहीं पड़ा है तराई के लिए, मतलब क्या लग रहा है इसमें भी घोटाला, एकदम केवल बालू पड़ा हुआ है, उसमें जांच हो तो केवल बालू।